हाँ जी बच्चों, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, नए क्वेश्चंस की तरफ आगे आ चुके हैं। और क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और सेम क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से पूछे तो ये तीन तरीके से पूछ सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सपेंशन इन डिमांड आपको एक्सप्लेन करना है, या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चे, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक को समझिएगा और डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद आंसर भी अपने आप आएगा। पहले आप इस चीज को समझिए, आपको खासकर ध्यान रखना है जो अभी मैं आपको वर्ड बताने जा रहा हूं। देखें जरा, ये ध्यान रखिए बच्चे, इसका खासकर ध्यान रखना, एक्सपेंशन कॉन्ट क्वांटिटी, ये तीन वर्ड ध्यान रखिएगा। ये तीन वर्ड कभी भी आ जाएं तो आपको ये समझना है, अगर आपके तीन वर्ड कभी भी आ जाए तो ये समझिए जो डिमांड में चेंज आ रहा है। एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिमांड का बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का कम होना, और एक क्वांटिटी है इसका मतलब हिंदी में मात्रा कहते हैं। कभी भी डिमांड में चेंज आ रहा है और ये तीन में से कोई एक वर्ड है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो या क्वांटिटी वर्ड हो, ये तीन वर्ड में से कोई एक वर्ड है और डिमांड में चेंजेस जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अगर ये तीन वर्ड आ गए तो समझ जाइए जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उसका खुद का प्राइस ही है। तो आपको मैंने एक चीज अच्छे से क्लियर करा है बच्चे, किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने में दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, एक प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और दूसरा उसके प्राइस कांस्टेंट है और कोई आकर के डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, जिन सबको हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर। और आपको यह भी कहा गया कि एट अ टाइम, एक टाइम पर दोनों चीज एक साथ रिस्पॉन्सिबल डिमांड में चेंज के लिए नहीं होंगी, अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बताया आपको, डिमांड में अगर कोई चेंज आ रहा है और वहां पे ये वर्ड मेंशन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन क्वांटिटी, तो समझ जाइए जो वो चेंज आया है वो उसके खुद के प्राइस की वजह से ही आया है। इस चीज को मैंने लिखवा भी दिया, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इसके खुद के प्राइस में चेंज की वजह से ही ये चेंजेस आ रहे हैं। और यहां पर क्या आपको बोलना पड़ेगा फिर, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, ये बोलना पड़ेगा कॉन्स्टेंट। अगर आप डायग्राम की बात करें, चलिए डायग्राम यहां बनाते हैं साइड में, यहां लिखना पड़ेगा आपको, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। अब बात करते हैं डायग्राम की, जिसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो बच्चे देखिएगा, एक पहले आप डायग्राम जब भी बनाते हैं तो पहले एक जर्नल डिमांड कर्व का डायग्राम बना ले, बाद में हम इसमें सोचेंगे विचारेंगे और प्रॉपर करेक्ट करेंगे। पहले तो आप एक नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा होता है वैसा आप एक डिमांड कर्व बना लीजिए, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये ओरिजन। वाई एक्सिस जो है ये प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, समझ गए।
अब मैं यहां पर एक जनरल डिमांड कर्व बना लेता हूं दिस, एक डिमांड कर्व बना देते हैं, एक प्राइस लिया और एक क्वांटिटी लिया। पहले तो एक जनरल डिमांड कर्व बना लीजिए इस तरीके से। इसका ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखवाया आपको, इन क्वेश्चनों का डायग्राम पहले बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद फिर थ्योरी को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। अब क्या कह रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बच्चे एक्सपेंशन इन डिमांड तो बेसिकली आपको आपका टारगेट दे रहा है कि डिमांड को बढ़ाना है। तो डिमांड को बढ़ाना है तो आप दो तरीके से डिमांड को बढ़ा सकते हो। इसके पीछे दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, एक तो इस कॉमोडिटी की खुद की प्राइस, एक अदर फैक्टर। तो आइए, यहां पर एक्सपेंशन वर्ड है या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी वर्ड आ गया तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अदर फैक्टर या इसकी प्राइस। तो मैंने एक बात आपको लिखवा भी दिया है, क्लियर भी कर दिया है, कभी भी ये तीन वर्ड आ जाएं, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्वांटिटी, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्राइस ऑफ इटसेल्फ, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। तो यहां पर प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है इसका, अदर फैक्टर का कोई रोल नहीं है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का, अदर फैक्टर क्या है, कॉन्स्टेंट है। और अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ना तो कर्व की शिफ्टिंग हो जाती है फिर, लेकिन अदर फैक्टर यहां पर रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन वर्ड आ गया है, उसका मतलब होता है कि उसके खुद का प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको पता है कि डिमांड बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, और प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस में चेंजेस आए हैं तभी डिमांड बढ़ेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, प्राइस में क्या चेंज लाऊं जिससे डिमांड बढ़ जाए। तो बिल्कुल सही आपका आंसर आए कि अगर इसके प्राइस को कम कर देंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस को कम करेंगे। ये आइडिया आपको खुद ही आएगा देख करके, बेसिकली डिमांड में करना है। तो इसी पार्ट को, जहां पहले डिमांड आप ओ क्यू कर रहे थे, अब वहां पर डिमांड आप ओ क्यू वन करने लग गए। पहले ओपी प्राइस थी, डिमांड आप ओ क्यू कर रहे थे, अब प्राइस ओपी से गिरकर ओपी वन हो गई है, और अब आपकी डिमांड जो है वो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गई है। तो क्यू क्यू वन आप पहले से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसी को हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं, पहले आप डिमांड कर्व पे यहां पे थे ए पॉइंट पर, अब यहां पर आ गए बी पॉइंट पर, तो आपका डिमांड कर्व पे क्या हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, डिमांड कर्व पे जितना नीचे, क्योंकि देखिएगा डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, ऐसा जितना नीचे जाएंगे डिमांड उतना ही आगे जाएगा। तो फिर यहां पर एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, नीचे ही बढ़ेगा डिमांड। तो यहां पर आपका डिमांड कर्व पे कैसा मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। तो इस चीज को आप समझ गए। तो बच्चे बस आपको ये चीज अपने दिमाग में रखना है कि एक्सपेंशन, क्वांटिटी और कंट्रक्शन, ये तीन वर्ड आ जाए तो रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस है। और जब ये कंफर्म हो ही गया कि रिस्पॉन्सिबल उसका खुद का प्राइस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अदर फैक्टर क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। अब पहले डिमांड कर्व बनाएंगे नॉर्मल सा, उसके बाद एक्सपेंशन मतलब डिमांड बढ़ाना है, तो फिर सोचते हैं भैया डिमांड बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कौन बढ़ाएगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो एक्सपेंशन वर्ड से क्लियर हो गया था प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियसली प्राइस कम करेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी। तो आपका डायग्राम भी सही हो गया और आपने देखा डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, जब भी कभी प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है तो मूवमेंट होता है, और जब कोई अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो शिफ्टिंग होती है कर्व की, और जब प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसी कर्व पर ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। तो प्राइस डिक्रीज होगी तो कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, प्राइस नीचे आया तो कर्व पे डाउनवर्ड चले गए, और प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो कर्व पर अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुई, अपवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बच्चे। आइए, क्या कहता है थ्योरी एक्सपेंशन इन डिमांड के बारे में। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू आर राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है बट किसकी वजह से, इसकी प्राइस कम हो रहा है उसकी वजह से, एंड अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट,
क्लियर है? ये मैंने कुछ आपको तरीके, कुछ ट्रिक्स बता दिए मैंने आपको, समझ गए बच्चे? कोई डाउट? तो ये एक्सपेंशन इन डिमांड हो गया, इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं, कि क्वांटिटी वर्ड है और इंक्रीज करना डिमांड, तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस को आप कम करेंगे। इसको डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों कहा था, ये बात समझ में आई आपको? तो डाउनवर्ड मूवमेंट में प्राइस क्या होती है, फॉल होती है। अब आइए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है आपको? एक्सपेंशन इन डिमांड, अगर मान लीजिए अगर मैं यहीं पर आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड कर देता, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना रहा हूं मैं, ठीक है? अगर इसी को मैं कॉन्ट्रेक्शन बोल दूं, कॉन्ट्रेक्शन, और इसको मैं बोल दूं डिक्रीज, और इसको मैं ड्यू टू अब देखिएगा जरा, मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, इसको तो कहते हैं एक्सपेंशन होना, एक्सपेंड होना, और इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कम होना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपको डायग्राम बनाना है, एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तभी उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, नॉर्मल सा एक डिमांड कर्व का डायग्राम बना लीजिए, वाई ओ एक्स प्राइस क्वांटिटी, देखिएगा प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है, और एक हम डिमांड कर्व बना रहे हैं। पहले जनरल सा आप डायग्राम बना ले, इतना ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, एक सिंपल सा डायग्राम बना ले। अब सवाल पढ़ते हैं, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हो, या अपवर्ड मूवमेंट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिमांड को कम करना है, ठीक है? डिमांड तो कम कर देंगे हम, लेकिन ये कमी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो फिर कर्व की शिफ्टिंग करनी होती है, और जब उसका प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल होता है तो फिर प्राइस में चेंजेस लाना पड़ता है, मूवमेंट होता है कर्व पे। तो डिमांड में तो कर ही देंगे कमी, बट ये तो सोचिए पहले जो भी चेंज आ रहा है रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका कारण का जानना बड़ा जरूरी है। तो डिमांड को तो कम करना है, कॉन्ट्रेक्शन करना है, बट रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि कभी ये तीन वर्ड आ जाएं, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एंड क्वांटिटी, किसका मतलब क्या होगा, जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस ही है, तो उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल। अब आप खुद सोचिए कि डिमांड कम हो तो प्राइस में ऐसा क्या चेंजेस आया होगा जिससे किसकी डिमांड कम हो जाए। तो डिमांड कम करना है आपको फाइनली, तो प्राइस बढ़ेगी और आपकी डिमांड ओ क्यू। तो पहले ओपी प्राइस पर आप ओ क्यू डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब आपका प्राइस बढ़ जाएगा ओपी से ओपी वन, अब आपकी डिमांड ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो जाएगी, तो डिमांड आपकी क्यू से क्यू वन घट गई है, कम हो गई है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कह सकते हैं। तो डायग्राम पहले एक सिंपल डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद अपना टारगेट सेट करिए, डिमांड बढ़ाना है या घटाना है। तो डिमांड बढ़ाना है और इसका प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर प्राइस कम कीजिए तभी डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड अगर घटाना है और इसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो प्राइस बढ़ा दीजिए और डिमांड कम होता हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इसमें ये क्या कह रहा है थियोरी में, और देखिएगा इसमें मूवमेंट किधर हुआ, यहां से यहां आए, तो इसमें
अपवर्ड मूवमेंट हुआ डिमांड कर्व पे, तो बच्चे यहां चूक जाते हैं एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में बच्चे यहां पर गलती करते हैं, एमसीक्यूज में बच्चे यहां पर चूक जाते हैं, इसमें एक बड़ी मिस्टेक्स देखने को मिलती है। वो मिस्टेक्स क्या है, जरा उस मिस्टेक्स को आप अच्छे से पहले समझ लेंगे। क्लियर है बच्चे? इसमें बच्चे किस तरह की मिस्टेक करते हैं कि एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ा हुआ, तो बढ़ना, बढ़ने से उनके माइंड में क्लिक कर जाता है कि डिमांड कर्व पे बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व पे अपवर्ड जाएगा, और कंट्रेक्शन और डिमांड कम होना तो समझते हैं डिमांड कम हो रहा तो फिर नीचे आएगा, ये गलती कर बैठते हैं बच्चे। एक्सपेंशन डिमांड बढ़ा रहे हो तो प्राइस को कम क्या होगा ना, तो प्राइस कम करोगे तो डिमांड कर्व पे आप डाउनवर्ड आए हो। कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ाया होगा ना, तो डिमांड कर्व पर ऊपर जा रहे हो। तो इस चीज को समझिएगा, एक्सपेंशन में डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड आते हो और कॉन्ट्रेक्शन में कमी में डिमांड कर्व पे अपवर्ड जाते हो, या फिर आप बोल सकते हो डाउनवर्ड तब आते हैं जब प्राइस कम होती है और अपवर्ड जब जाते हैं जब प्राइस बढ़ती है। तो प्राइस बढ़ेगी तो अपवर्ड आ जाओगे और प्राइस कम होगी तो डाउनवर्ड आ जाओगे। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, प्राइस के से, कैसे, प्राइस कम हुआ तो प्राइस कम होगा तो डाउनवर्ड आ जाओगे। कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, डिमांड कम हुआ, रिस्पॉन्सिबल प्राइस, तो प्राइस में कैसे रिस्पॉन्सिबल, प्राइस बढ़ी है, डिमांड कर्व पे अपवर्ड चले जाओगे। ये चीज क्लियर है आपको? अच्छे समझ गए? तो आपको एक्सपेंशन और आपको कॉन्ट्रेक्शन, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चे यहां पर आप देखें, जरा इस चीज को भी जरा आप समझिए इन्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसके बाद बैक टू बैक दो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। क्या कहता है, कॉन्ट्रेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। और इस चीज का आपको, इस ट्रिक का खासकर आपको ध्यान रखना है। अब आइए बच्चे इसमें ही जरा एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ही एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी इसके ऊपर हम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको आप बोल दीजिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। थोड़ा रिफिल कर लूं क्योंकि बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। एक्सप्लेन
कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है बच्चे? तो आइए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जरा थ्योरी को फिर हम पढ़ करके इस पर लिखेंगे भी। तो बच्चे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक डायग्राम आप बनाइए ऐसे क्वेश्चनों में। डायग्राम बनाने के बाद थ्योरी को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले एक जनरल डायग्राम बना लीजिए डिमांड कर्व का। चलिए यहां बना लेते हैं। ये आपका y एक्सिस है और रीजन है x एक्सिस है, और ये आपका प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका एक जनरल सा डिमांड कर्व बना लो, प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये आपका एक डिमांड कर्व है। अब बच्चे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले मुझे बताइए बच्चे चेंज का क्या मतलब होता है? डिमांड का इंक्रीज होना या फिर डिमांड का डिक्रीज होना? अगर आप कहते हैं सिर्फ इंक्रीज होने को चेंज कहते हैं, तो कोई बच्चा कहेगा सर डिक्रीज होने को चेंज कहते हैं, तो दोनों ही गलत है। बेसिकली चेंज का मतलब दोनों ही होता है। चेंज का मतलब स्पेसिफिक सिर्फ इंक्रीज होना नहीं होता है, या चेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होना नहीं होता है। चेंज का मतलब चेंज होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस आ रहे हैं तो कैसा चेंजेस आ रहा है ये नहीं बताया गया कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस केस में आपको चेंज एक्सप्लेन करना है, तो मतलब आपको दोनों ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिमांड को बढ़ा के भी दिखाना है और डिमांड को कम करके भी दिखाना है, चेंज का मतलब ये है। तो चलिए वो तो दिखा देंगे। आपको पता है डिमांड में जो भी चेंज आता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें होती हैं, एक तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक अदर फैक्टर। प्राइस ऑफ गिवन गुड्स में उसका प्राइस ही उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है, और अदर फैक्टर में उस कॉमोडिटी की प्राइस तो कांस्टेंट रहती है फिर भी उसकी डिमांड अफेक्ट होती रहती है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी हो उन सभी रीजन को हम अदर फैक्टर कहेंगे। तो यहां पर मुझे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांडेड में चेंजेस को दिखाना है, मतलब बढ़ा के भी दिखाना है कम करके भी दिखाना है, तो रिस्पॉन्सिबल यहां पर कौन होगा, सवाल ये है। तो एक वर्ड देखिए कि चेंज इन, ये वर्ड आ गया है क्वांटिटी। तो जब भी कभी क्वांटिटी वर्ड आ जाए, एक्सपेंशन वर्ड आ जाए, कॉन्ट्रेक्शन वर्ड आ जाए, तो ड्यू टू इन इट्स प्राइस, कभी भी ये वर्ड आ जाए तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इसके प्राइस में चेंज आने की वजह से ही ये चीजें हो रही हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ड्यू टू इट्स प्राइस। तो बच्चे इसके प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो आपको डिमांड को बढ़ा करके दिखाना है, तो बढ़ा करके दिखाना है तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो अदर फैक्टर तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो बात तो कंफर्म है कर्व की शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अदर फैक्टर तो कुछ कर ही नहीं रहा, कॉन्स्टेंट है। चलिए डिमांड बढ़ाएंगे, प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस में क्या करूं जिससे डिमांड जो है हमारा बढ़ जाए, तो प्राइस कम करेंगे। तो ये P1 और ये Q1, तो ये A से B पर आ गए, एक तो ये एक्सप्लेन कर दिया, और अब आपको डिमांड को कम भी करना है और रिस्पॉन्सिबल तो प्राइस ही है, तो यहां से पहले थे, अब प्राइस क्या होगा जैसे डिमांड कम होगा, तो प्राइस बढ़ाओगे तभी डिमांड कम होगा, पी टू क्यू टू। ये की वन पी वन टू टू, ये मैं इसलिए वन टू थ्री नाम डाल देता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए दूसरे से, पता लग जाए कौन किसका है। अब आप देखिए यहां पर आप अपवर्ड मूवमेंट हो गया, तो चेंज इन जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो आ रहा है वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है, और अदर फैक्टर क्या है, कॉन्स्टेंट है।
जब इसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, जिसमें डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और जब इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कंट्रेक्शन हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से डिमांड कर्व पर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। क्लियर है बच्चे? समय आया आपको, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं? और इसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। इसी को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी हम कहते हैं। तो ये क्या कहता है, जरा आंसर जरा समझिएगा इसका। When quantity demanded of a commodity, when quantity demanded of a commodity changes ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज क्लियर है बच्चे? तो क्या कह रहा है जरा आप समझ रहे हैं, जो जो एक एक बात कही है वो उसी पे ही है ये। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स कीपिंग इट्स प्राइस एंड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, इट इज नॉन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आ रहा है और रिस्पॉन्सिबल इसका खुद का प्राइस ही है और अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है, उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो पहला, ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बनाना, उसके बाद उस डायग्राम को इस तरीके से आपको डिफाइंड करना, उसके बाद आप और थोड़ा, अगर ये आपका अगर 5 मार्क्स तक पे पहुंचता है क्वेश्चन, तो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओपी प्राइस पर डिमांड OQ है, और जैसे ही हमने प्राइस इंक्रीज कर दी ओपी से OP2 कर दी, तो डिमांड हमारा जो है अब OQ से कम होके OQ2 हो गई, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर हो गया, और प्राइस जैसे डिक्रीज करा हमने डिमांड हमारी बढ़ गई और डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में ये नहीं बता रहा कि ऊपर मूवमेंट होगा या नीचे होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड मेंशन नहीं करा है, सिर्फ मूवमेंट बोला है, तो मूवमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए दोनों को ही एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए इस क्वेश्चन को मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। फाइनली एक बात समझ में आया आपको क्या, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ये बात तो क्लियर है आपको, एक तो उस कॉमोडिटी का खुद का प्राइस और एक अदर फैक्टर, और जब उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो कर्व पे मूवमेंट होता है, और जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो कर्व की शिफ्टिंग होती है। क्लियर है? और हमें पता कैसे लगेगा कि प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या अदर फैक्टर, तो जब ये तीन वर्ड होंगे, कौन से, क्वांटिटी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, तब समझिएगा प्राइस रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये तीन वर्ड में से कोई भी नहीं है, मिसिंग है, तो फिर जो भी चेंज आ रहा है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है। अब अदर फैक्टर में घुसना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको अदर फैक्टर में जाकर के, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में जाकर के, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, चेंज इन प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपको ये सब कुछ आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि अदर फैक्टर में ऐसा क्या हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सब मतलब किस तरह के क्वेश्चन होंगे अदर फैक्टर पे, सोच रहे हैं ना। चलिए अब यहां से हम अदर फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है बच्चे? अदर फैक्टर की तरफ हम मूव करते हैं यहां से। यहां से देखिए अब अदर फैक्टर का पढ़ते हैं हम बड़े शांति से आराम से। आइए एक क्वेश्चन देते हैं इस पे ही आपका, एक मिनट का टाइम दीजिए। हाँ जी बच्चों देखेंगे जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं टॉपिक को, मुझे पूरी आपसे उम्मीद है कि चीजों को आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें इंक्रीज इन डिमांड, चलिए आपके मन में एक डाउट आया था कि सर अदर फैक्टर वाले अदर फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन करवा दो, इंक्रीज इन डिमांड। लीजिए सर इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट, ये क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब आपका, पहले से ही चल रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है बच्चे? अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, तो इसमें आप देखें सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर थ्योरी लिखेंगे इसमें हम। इंक्रीज इन डिमांड, अब आप देखें ये एक डिमांड कर्व बना रहे हैं, तो बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा आप डिमांड कर्व का आप डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले एक नॉर्मल सा बिल्कुल सामान्य सा आप डिमांड कर्व का आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है? प्राइस, क्वांटिटी, वाई एक्सिस, ओरिजन और एक्स एक्सिस।
अब कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड। चलिए एक बात तो कंफर्म हो गया, डिमांड बढ़ाना है। बढ़िया, रिस्पॉन्सिबल कौन है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से कर्व में चेंजेस आते हैं। अगर उसका प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल हुआ तो भैया मूवमेंट होगा, और अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ तो शिफ्टिंग होगी। रिस्पॉन्सिबल कौन है तो जरा देखिए कि क्या एक्सपेंशन वर्ड है, देखिए कि क्या क्वांटिटी वर्ड है, देखिए क्या कॉन्ट्रेक्शन वर्ड है। उनमें से कोई भी वर्ड आपका नहीं है तो मतलब इसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जब वो तीन में से कोई एक वर्ड होता है तब प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज इसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर। तो बच्चे यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यहां पर वो तीन वर्ड मिसिंग है तो रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है। अब समझिए, जब भी कभी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ना तो फिर कर्व की शिफ्टिंग होती है। तो कर्व की शिफ्टिंग दो तरफ हो सकती है, एक आपका राइट और एक आपका लेफ्ट। तो कर्व की शिफ्टिंग कहां होगी ये सवाल है, कर्व की शिफ्टिंग कहां पर होगी ये सवाल है, राइट या फिर लेफ्ट। तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो यहां पर डिमांड कैसे होगा? प्राइस में आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है। कहां से पता लगा? क्योंकि वो तीनों वर्ड नहीं थे। जब वो तीनों वर्ड मिसिंग हो तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्राइस तो कॉन्स्टेंट है और अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो शिफ्टिंग होती है कर्व की, और शिफ्टिंग वही होगा जहां पर डिमांड हो रहा है। डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब उसी प्राइस पर, क्योंकि प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, अब डिमांड आप ज्यादा देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होता है कि गिवन कमोडिटी का प्राइस तो कांस्टेंट होता है और अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ जाता है। अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा, सर अदर फैक्टर की ये बात तो कंफर्म है प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि वो तीनों वर्ड मिसिंग है, ये बात भी कंफर्म है अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, ये बात भी कंफर्म है कि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो कर्व की शिफ्टिंग होगी, ये बात भी कंफर्म है कि डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। लेकिन यहां पर ये बात कंफर्म नहीं है कि अदर फैक्टर में ऐसा क्या हो गया जिससे डिमांड बढ़ जाए। अब आप दिमाग लगाओ क्या होगा अदर फैक्टर में। प्राइस, प्राइस नहीं, प्राइस को मत छेड़ देना, और कुछ बात करो ऐसे जिससे इसकी डिमांड बढ़े। इसके प्राइस की बात मत कर देना, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ गई, ना ना ना, प्राइस में तो चेंज कर ही नहीं सकते। अदर प्राइस को छोड़ के और कोई बात बताइए ऐसा जिससे डिमांड बढ़े, कोई और बात बताइए ना, कोई और बात कीजिए जिससे इसकी डिमांड बढ़े। इसके प्राइस को छोड़ दीजिए और डिमांड जरा बढ़ा के बताइए। अदर फैक्टर में प्राइस तो कांस्टेंट है ना, प्राइस तो कांस्टेंट है, तो क्या हो सकता है अगर आप अदर फैक्टर में बोलोगे तो? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ, इसके इसका प्राइस नहीं, इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डियर आपको ये बताया था डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में, नहीं तो आपके पास में एक्सेस है, उस चीज का फायदा उठाइए, उसको जाके दोबारा देखिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है। एक तो होता है मेरी गुड्स जिसका मैं कंजम्पशन कर रहा हूं, एक होता है मेरी जैसी दूसरी गुड्स, मेरी जैसी दूसरी गुड्स, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। चाय पी रहा हूं कॉफी, पैसे पी रहा हूं कोक, बॉल पेन जेल पेन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक तो मेरी गुड्स है और एक मेरी जैसी दूसरी गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। मेरे गुड्स के प्राइस में नहीं, मेरी जैसी दूसरी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ जाए ना तो लोगों का फेवरेट मेरे गुड्स हो जाएगी, मेरे लोग मेरे गुड्स को पसंद करेंगे, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हमारी इंटेंशन रहती है कि हम सस्ती चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मेरी जैसी दूसरी गुड्स महंगी हो जाए, मैं पेप्सी का कंज्यूमर हूं, पेप्सी की बात करूं, पेप्सी की डिमांड की, कोक महंगा हो जाए तो लोगों को पेप्सी पसंद आ जाएगी, पेप्सी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पेप्सी के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी ओरिजिनल गुड्स की। बट इसके प्राइस में चेंज नहीं आया ना, इसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज आया, इसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, चेंज नहीं आया। चेंज वर्ड क्यों बोलोगे? सब्स्टिट्यूट का प्राइस, डिमांड बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ाना है ना, तो प्राइस सब्स्टिट्यूट का डिक्रीज थोड़ी नहीं कर सकते हो, उसका प्राइस तो इंक्रीज करोगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा हमारे गुड्स का। तो लिखना पड़ेगा इंक्रीज, ना कि चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। गलत, चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ना भी घटना भी। सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो जाएगा तो क्या डिमांड बढ़ जाएगा? नहीं ना, तो डिमांड सिर्फ इंक्रीज बताना है आपको, उसके लिए सब्स्टिट्यूट की गुड्स की प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी।
और क्या रीजन होगा? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस गुड्स की प्राइस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूं। मैं इस कार की डिमांड की बात नहीं कर रहा ना, मैं सॉरी, मैं इस कार की डिमांड की बात कर रहा हूं, मैं इस कार की प्राइस की बात नहीं कर रहा। मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, लेकिन इसकी प्राइस की बात नहीं कर रहा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस की बात कर रहा हूं। पेट्रोल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल की कीमत की बात कर रहा हूं। ये तो कार है, पेट्रोल की कीमत की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो सस्ता हो जाए ना, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। उसके कार के प्राइस का कोई रोल ही नहीं, इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसको डिमांड बढ़ा के बताना है कैसा क्या होगा। इस जैसी दूसरी गुड्स महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो लोगों के लिए ये यूज करना आसान हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। इन केस ऑफ बहुत सारे रीजन है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर ये नॉर्मल गुड्स है, देन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है बच्चे? अगर ये नॉर्मल गुड्स है तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो इसकी डिमांड को बढ़ा लेगा। तो अदर फैक्टर में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इससे इसकी डिमांड बढ़े? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर ये इंफीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है, मेरी इनकम कम होगी, तब जाकर के मैं इसकी डिमांड को क्या करूंगा, तब जाकर के मैं इसकी डिमांड को बढ़ाऊंगा। ये चीजें बच्चे क्लियर है या नहीं आपको, ये बताइए आप जरा। ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये बताएं। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। तो ये बहुत सारे अदर फैक्टर में रीजन हो सकते हैं इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी। प्राइस में चेंज नहीं कर रहा, कोई दूसरी बातों की वजह से डिमांड बढ़ रही है। इसके प्राइस नहीं, इसके सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए, इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो जाए, इसको यूज करना आसान हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स से मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। इन्फीरियर गुड्स से मेरी इनकम कम होगी तब मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा। पॉजिटिव चेंज आ जाए मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, इसको लेकर के फैशन में, ट्रेंड में चीजें आ जाए, बिना इसके प्राइस कम हुए तब भी मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा। फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हो तब भी मैं आज इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, जबकि आज इसके प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्लियर है? पर इसमें क्या हो रहा है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। डिमांड कर्व क्या हो रहा है यहां पर, राइटवर्ड बच्चे शिफ्ट हो रहा है। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, स्टेट एनी और क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है इस पे देखिएगा। स्टेट एनी थ्री फैक्टर्स विच लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, which ये तो lead to rightward shift of demand curve। rightward shift of a demand curve कि तीन ऐसे कारण बताओ इसे डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो। बात एक ही है, जब इंक्रीज इन डिमांड रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, प्राइस तो है नहीं,
तो डिमांड बढ़ेगा कब, जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसको आप इंक्रीज इन डिमांड कह दो या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोल दो, एक ही बात है। तो इसी को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। ये क्या लिखता है, क्लियर है बच्चे? अभी बहुत वही सारे रीजंस जो हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में पढ़े थे, वही सारे रीजंस यहां पर ये दे रहा है। क्लियर है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये पेप्सी है तो इसके सब्स्टिट्यूट कोक, कोक की प्राइस बढ़ जाए, इसके प्राइस नहीं, तो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। कंज्यूमर ये ज्यादा कंपेटिवली चीपर लगेगा, कंज्यूमर इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसके नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये कार है तो इसके पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ये नॉर्मल गुड्स है, मेरी इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ा दूंगा, इन्फीरियर है तो मेरी इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ाऊंगा। तो ये क्या हो सकते हैं, कुछ इसके रीजंस हो सकते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ गए आप यहां पर इस चीज को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। एक नया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब मैं यहां पे कर देता हूं, डिक्रीज इन डिमांड, और यहां पर मैं कर देता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। आइए पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाते हैं इसका। पहले एक नॉर्मल डिमांड कर्व तो आप बनाई लीजिए, बाद में पढ़ेंगे सवाल को, बाद में दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहला काम तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक अच्छा सा प्यारा सा डिमांड कर्व बना लीजिए, और ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में कि कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चे देखिएगा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड को तो कम करना है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। अब ये कम किसकी वजह से हो रहा है ये कंफर्म करना है। तो क्या यहां पर कॉन्ट्रेक्शन वर्ड है, क्वांटिटी वर्ड है, एक्सपेंशन वर्ड है? वो तीनों वर्ड नहीं है। अगर वो तीनों वर्ड होते या तीनों में से कोई एक वर्ड होता तो इसका मतलब ये होता कि इसका प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है, बट वो तीनों वर्ड मिसिंग है। तो जब वो तीनों वर्ड मिसिंग हो तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, और जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो इसकी प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है और अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको पता है जब भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कर्व की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। अब कर्व राइटवर्ड जाए कि लेफ्टवर्ड जाए ये देखिएगा डिपेंड करता है डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिमांड कम हो रहा है तो कर्व लेफ्टवर्ड आएगा, ये टच नहीं करना इसको एक्सिस पे, लेफ्टवर्ड आया। अब उसी प्राइस पर जहां टच करे ये, उसी प्राइस पर देखिए अब आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, क्यों? डिमांड जो कम हो रहा है यहाँ प्राइस का रोल नहीं है, अदर फैक्टर का रोल है, और अदर फैक्टर का रोल है तो कर्व की शिफ्टिंग होगी, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसलिए डिक्रीज इन डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, कि डिमांड कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। तो ये स्टेट एनी थ्री फैक्टर विच लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व, इसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, बात एक ही है, डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो प्राइस आर कॉन्स्टेंट, प्राइस इसका कॉन्स्टेंट है, प्राइस इज कॉन्स्टेंट है। सबसे पहला अगर मैं आंसर लिखूं तो एक बात तो कंफर्म कर लीजिए, प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है इसमें, ड्यू टू अदर फैक्टर, किसकी वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि डिमांड कम करने लग जाओ, इसके प्राइस की बात मत करना, वो तो कांस्टेंट है। दूसरी कोई ऐसी बात कीजिए,
जिससे कि मेरे गुड्स की डिमांड कम हो रही हो। तो मैं कह सकता हूँ मेरे गुड्स की नहीं, मेरे गुड्स जैसी जो दूसरी गुड्स है ना, वो मार्केट में अगर सस्ती हो जाए तो सारे कंज्यूमर वो लेना पसंद करेंगे, मेरी गुड्स की अब वैल्यू कम हो जाएगी, मेरी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होने पर। अब बच्चे ये पेप्सी है, अगर कोक की प्राइस कम हो जाए, इसकी प्राइस तो नहीं हो रही चेंज, पेप्सी तो नहीं हो रहा चेंज, वो तो कॉन्स्टेंट है, कोक की प्राइस कम हो जाए, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाए, तो एज अ कंज्यूमर सबको वो चीज पसंद है जो सस्ती होती है। कोक कंपेटेबली चीपर रहेगी और पेप्सी कंपेटेबली एक्सपेंसिव रहने लग जाएगी, तो जो कंज्यूमर है वो कहां पर अट्रैक्ट होंगे, कोक की तरफ, और कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर पेप्सी के कम हो जाएंगे और पेप्सी की डिमांड भी इसकी वजह से कम हो जाएगा। और हमें यही बताना है डिमांड कम होने के पीछे क्या रीजन है अदर फैक्टर में। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड, इस जैसे दूसरी गुड्स अगर सस्ती हो जाए तो ऑटोमेटिक मेरी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है बच्चे, ये गुड्स नहीं, इसकी प्राइस नहीं, इसकी डिमांड की तो बात कर रहा हूं, बट इसकी प्राइस नहीं, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो इसका इंक है, अगर उसकी प्राइस महंगी हो जाए, मैं इस कार की प्राइस की बात नहीं कर रहा, कार के अंदर जो पेट्रोल है मैं उसकी प्राइस की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस की बात कर रहा हूँ, अगर वो बढ़ जाए तो कार को यूज करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस अगर बढ़ जाए तो ओरिजिनल गुड्स को यूज करना एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा, डिक्रीज इन इनकम डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। क्लियर है बच्चे, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर नॉर्मल गुड्स हुआ और मेरी इनकम कम हो जाए, तो पहले मुझे अपना माइंड सेट करना पड़ेगा ना, बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ये नहीं पता करना क्या है तो मैं कैसे सोच पाऊंगा, तो मुझे डिमांड को डिक्रीज करना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ अदर फैक्टर में ऐसा क्या हो इससे डिमांड कम हो। तो अगर ये नॉर्मल गुड्स है तो मेरी इनकम कम होगी, तभी तो जाकर इसकी डिमांड कम होगी, तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, या फिर ये बोल सकता हूं डिमांड को कम करना है, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर ये घटिया वस्तु है, मेरी इनकम बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अनफेवरेबल चेंज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर एक नेगेटिव चेंज आ जाए इसको लेकर के, जैसे कि मैगी को लेकर के एक नेगेटिव चेंज आ गया था, तो उसकी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं था उसकी प्राइस बढ़ रही हो, फिर भी डिमांड कम हुई ना, तो इसी तरीके से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएंगी। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हो कि इस बीएस की प्राइस का, जैसे आजकल गोल्ड बहुत महंगा चल रहा है, फ्यूचर में गोल्ड 40,000 पे आ जाएगा ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं अगर हम, तो फिर गोल्ड की आज की डेट में डिमांड क्या होगी, कम हो गई है, फ्यूचर में लेंगे आज बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे डिमांड डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। तो आप समझिए पहले, देखिए आप पहले कि करना क्या है और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है ये पता कैसे लगेगा, वो तीन वर्ड्स अगर आ जाते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन क्वांटिटी, तो प्राइस है, नहीं तो अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर को तो आपने अच्छे से पहले ही पढ़ रखा है, दोबारा भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है बच्चे, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं,
यहां पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड कर देते हैं उसको हम। स्टेट एनी थ्री फैक्टर विच लीड्स टू शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व, ये कर देते हैं शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व। अब बच्चे पहले डायग्राम बनाते हैं यहां पर हम, एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व का डायग्राम बनाइए, वाई एक्सिस ओ एक्सिस, एक्स एक्सिस डिमांड कर्व, प्राइस। अब बच्चे चेंज इन डिमांड, तो चेंज का मतलब तो आपको पहले बता दिया मैंने, लिख दीजिए इसको, लिखना जरूरी है, प्राइस क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, डिमांड का बढ़ना भी डिमांड का घटना भी दोनों ही बताना है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या क्वांटिटी वर्ड है? नहीं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन नहीं, कोई वर्ड नहीं है तीनों में से। तो जब वो तीनों वर्ड में से कोई एक होता तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता, अदरवाइज वो तीनों में से कोई वर्ड नहीं है तो फिर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या क्वांटिटी है? नहीं है, वो तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर। तो प्राइस क्या? कॉन्स्टेंट है। अब आपको पता है जब भी अदर फैक्टर, इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसमें क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी वर्ड आ गया था इसलिए प्राइस रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ क्वांटिटी वर्ड नहीं है, यहाँ सिर्फ चेंज इन डिमांड, तो यहां पर तीनों में से कोई वर्ड नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर होगा, प्राइस कॉन्स्टेंट होगा। और आपको पता है जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कर्व की क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। तो कर्व की शिफ्टिंग यहां पर देखिएगा कहां पर होगा, एक तो राइट वर्ड D1, D1 अगर डिमांड बढ़ा रहे हैं दिस Q1, एंड एक लेफ्ट वर्ड, क्योंकि दोनों ही बताना है चेंज में, तो Q2। ये आपका चेंज इन डिमांड का डायग्राम हो गया, जिसमें क्या है, इसकी प्राइस तो कांस्टेंट है बट अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से इसकी डिमांड चेंज हो रही है। तीन रीजन क्या हो सकता है, अदर फैक्टर बताएंगे आप, D2 अदर फैक्टर है ये। क्या चेंज इन, अब देखिए यहां पर चेंज बताना है तो चेंज के लिए आप ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, दोनों हो ऐसा बताना है। तो आप यहां पे ऐसे वर्ड यूज करें, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में भी चेंज आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ी, इसकी डिमांड भी लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी प्राइस कम हुई, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हुई तो लोग इसको कम पसंद करेंगे, उसको ज्यादा पसंद करेंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। चेंज इन, अब देखिए यहां पे मैं लिख के आ रहा हूं, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में अगर चेंज आ जाए, जो इस में यूज होती है पेट्रोल है वो महंगा हो जाए, डिमांड कम हो, सस्ता हो जाए डिमांड ज्यादा, आप बोल सकते हैं चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में अगर चेंज आ जाए तो डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। क्लियर है ना, समय आया बच्चे आपको, कोई डाउट? क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया आपका, ये बातें समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है आप ये बताइए मुझे, ये चीजें आपको क्लियर है या नहीं है आप ये बताएं मुझे। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं। तो हमने बैक टू बैक इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं अभी, और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो रहे होंगे, डायग्राम भी अच्छे हो रहे होंगे, एक्सेस है, बैकअप है, आप इसको जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं, आपके लिए सही रहेगा ये। क्लियर है बच्चे? समझ गए? कोई डाउट बच्चे तो प्लीज पूछे। क्लियर है?